ये मेरी स्विफ्ट है, चेड्डी मॉडल। इसमें मैंने म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड किया है। जो इसका कंपनी यूनिट आता था उसको मैंने चेंज करके इसमें एंड्रॉयड टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगाया है, एलियन कंपनी का। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ इसका रिव्यू। जैसे ही मैंने इसका पावर ऑन किया है, इसमें तीन बार अलग अलग तरीके से रिपीट, FM मेरे पहले से चालू किया हुआ था तो FM चालू हो गया है। इसको मैं एक सेकंड, थोड़ा सा फ्लोर साउंड ज़्यादा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका होम बटन है, इसमें आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे भी सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे कि वॉल्यूम कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ से सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, यहाँ मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इसको, यहाँ से फ़ोन अटेंड कर सकते हैं आप ब्लूटूथ के थ्रू, और फ़ोन काट भी सकते हैं। इसमें कंपास भी दिया गया है और स्पीडोमीटर भी आता है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो इसमें आपको स्पीड भी दिखाती है। ये पूरा एक एंड्रॉयड यूनिट है, इसके अंदर 16 GB इनबिल्ट मेमोरी है और 1 GB की रैम लगी हुई है। इसमें आप वाईफाई कनेक्ट करके आपके मोबाइल से आप नेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी शेयर इट यूज़ कर सकते हैं, शेयर इट से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग इसकी मेरे को लगी, इसमें मैंने विंक डाउनलोड किया था। आप विंक के थ्रू इसमें सारे सॉन्ग्स डाउनलोड करके आपके जो भी फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह है वो आप इसमें प्ले कर सकते हैं सब कुछ। और इसमें ऑफलाइन नेविगेशन भी लगा हुआ है, चलिए मैं आपको ऑफलाइन नेविगेशन दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने इसका जो इनबिल्ट ऑफलाइन नेविगेशन था उसके लिए जो राउटर आता है वो यहाँ पे लगा हुआ है मेरे, आप देख सकते हैं। इसका जो टच है वो भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। Drive more than 1 kilometer. इसमें आप अपनी डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं आप, जो भी चाहिए। यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं, वो चालू रह जाएगा। ऐप क्लोज करना है तो आप यहाँ से ऐप क्लोज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। मैं आपको साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से साउंड मैं नहीं सुना सकता आपको। यहाँ से भी आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये इसका इनबिल्ट जो मैंने पेन ड्राइव डाल रखा है उसका। यहाँ से ऑडियो वीडियो इन है जो अभी मैंने डाल नहीं रखा है। ये FM आ गया आपका और ये आपका वीडियोस आ गए। इसमें बैक कैमरा भी मेरा लगाया हुआ है। इसमें अगर जैसे ही मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ, आप देख सकते हैं एकदम अच्छी स्क्रीन आ रही है। इसमें 3 USB केबल दे रखी है जो यहाँ पे मेरे ग्लो बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। एक में मैंने डाल रखा है, 2 खाली पड़ी है। और ऑक्स भी है जो यहाँ पे है। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।